नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ की अतरौलिया थाना क्षेत्र की ग्राम सभा पेड्रा के अंतर्गत पड़ने वाले गांव दादर में अभी तक आने जाने के लिए रास्ते का निर्माण नहीं हो सका है, जबकि यहां के प्रधान 10 वर्षों से गांव के ही जनता द्वारा चुने जाते हैं और इस बार भी रास्ते बनवाने के नाम पर चुनाव जीत गए। ग्रामीणों को अभी भी घुटने के बराबर पानी से होकर गांव में जाना होता है और शादी विवाह जैसे शुभ अवसर पर गांव में बारात जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। ग्रामीणों का मानना है कि इस गांव में आज़ादी के बाद से अभी तक केवल कागजों में काम हो रहा है। यहां के रास्ते सरकार के लाखों दावों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। कागजों में तो इस गांव में विकास की ही विकास नजर आता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यहां पर अभी भी लोगों के आने जाने का रास्ता नहीं है। यहां के लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत उन्होंने कई बार गाँव के प्रधान से किया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि कोई अधिकारी कर्मचारी ग्रामीणों की समस्या को सुनने को तैयार नहीं है। इसकी शिकायत कई बार उन्होंने ग्राम प्रधान से की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। स्थानीय ग्रामीणों का मानना है कि इस गांव में अभी तक मुख्य मार्ग का पता नहीं, जबकि रास्ते बनवाने के वादे पर ही ग्रामीणों ने वोट देकर ग्राम प्रधान को चुना। स्थानीय ग्रामवासियों का कहना है कि बारिश के मौसम में लोगों के घरों तक कोई रिश्तेदार भी नहीं आना चाहता, क्योंकि गाँव का मुख्य मार्ग ही नहीं है। वही खेत की पगडंडियों के सहारे लोग अपने घरों तक पहुँचते हैं। मीडिया से भी बातचीत में क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने, सुनवाते हैं आपको। प्रदीप राजभर, ग्राम दादर, पतरुलिया ब्लॉक के निवासी हूँ। अच्छा, ये बताइए आपकी समस्या क्या है। सर, हमारे गांव में आने जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। मेरे गांव में जो भी रास्ता है एकदम टूटा फूटा हुआ है। मैं अभी जा रहा था सर, देख लीजिए, अभी मुझे चोट लग गई इधर। अच्छा, कल मेरी मम्मी जा रही थी, उनके हाथ में चोट लग गई है, उनका हाथ पूरा फ्रैक्चर हो गया, इधर रोड पर गिर गई। अच्छा अच्छा, शादी विवाह के बारे में आप कुछ बताना चाहते थे। शादी विवाह में तो गाड़ी आ नहीं सकती, कल मेरी बहन की शादी थी, हम लोग बाइक से विदाई करवाए रोड पे लेकर। अच्छा अच्छा, ना ही कोई प्रधान देखने आता है, ना ही कोई अधिकारी यहाँ पे। तो कभी आपने इसकी शिकायत किसी से की है? जी नहीं। तो प्रधान प्रधान से कहते हैं कि नहीं आप लोग सड़क बनाने के लिए? जी, प्रधान तो मेरे ग्राम सभा के हैं, वो खुद नहीं देखने आते हैं, हम लोग क्या शिकायत करें उनसे। अच्छा, उनसे आप कहे हैं कि नहीं कभी? जी कहे हैं। तो नहीं बनवाए हैं? जी नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए, कौन है प्रधान आपके यहाँ के? बलिराम यादव। अच्छा अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रजावती। कहाँ की निवासी हैं? दादर के। अच्छा, ये बताइए क्या समस्या है आपकी? समस्या है कि ना घर द्वार बुरा था, ना नारी है, ना चक्रोट है, ना रोड है, ना कुछ ना है। बिटिया बहन सड़क पे जाए नहीं, गाड़ी उठवा हो पैदल तक, यह कुछ समस्या ना है। अच्छा, ये जो जगह आपके यहाँ जो बना हुआ है अभी एक चक्रोट, ये तो पूरी तरह से खराब हो चुका है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में बना की चाहिए। प्रधान प्रधान से आपने कभी आप लोगों ने कहा है? कहाँ प्रधान प्रधान आई ने की कही। अच्छा, बहुत कही गया मान ला प्रधान प्रधान आई ने था। अच्छा, तो कोई सुनते नहीं है? क्या होना सुना था। अच्छा, प्रधान प्रधान क्या होना सुना था। तो आप लोग सरकार से क्या चाहती हैं? और सरकार से यह चाहता है कि मान ला चक्रोट वक्रोट बना, नारी वारी नहीं करे, पानी वानी घर द्वार गिरा था, कुल तो गिरा था। ठीक।